सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताना लो कि आप RS को मतलब कैसे चलाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छा माइलेज मिलेगा। और एक्चुअली इसके पहले मैंने एक माइलेज टेस्ट किया था जिसके अंदर मुझे 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिला था। तो उसके अंदर मैंने गाड़ी कैसे चलाई थी और मतलब कैसे मुझे इतना अच्छा माइलेज मिला, आज उसके बारे में बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आज कि आपको मतलब कौन से गियर पे मतलब कौन से स्पीड पे गियर बदलना है और कितने RPM पे चलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने में आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस डेली बेसिस पर चला देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पे बाइक पर अच्छा माइलेज मिलने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक तो है आपकी बाइक की स्पीड और दूसरा है गियर चेंजिंग का, मतलब गियर शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो फ्रेंड्स, आपका जो स्पीड रहना चाहिए बाइक का, ये 60 किलोमीटर पर आवर के नीचे रहना चाहिए। और अगर 60 पे रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप 55-56 तक चल रहे हो, 60 तक भी चल रहे हो, तो भी आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैंने जो माइलेज टेस्ट किया था उसका लिंक ऊपर शो है, अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो। और उसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने जो बाइक चलाई ये एक एवरेज स्पीड में चलाया है, मतलब 50-55 के आसपास, और मुझे उसके अंदर 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिला था। तो लिंक ऊपर शो है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। और उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एक हैवी ट्रैफिक में भी इसका टेस्ट किया था कि एकदम हैवी ट्रैफिक में बाइक कितना एवरेज देती है, तो उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और अभी मैं बात कर रहा था आपकी ये स्पीड की, कि गाड़ी कितने स्पीड में चलानी चाहिए, तो आप 60 तक चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो हो गई स्पीड की। और फ्रेंड्स, दूसरा यहाँ पर जो फैक्टर है वो है गियर शिफ्ट का, कि आपको गियर कैसे शिफ्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे मतलब मैं कैसे गियर शिफ्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सेकंड गियर डालता हूँ 3 के RPM पे, मतलब जो मेरा RPM 3000 के आसपास हो जाता है मैं गियर डाल देता हूँ सेकंड वाला। और थर्ड गियर में डालता हूँ फ्रेंड्स 5 के RPM पे, और फोर्थ गियर में शिफ्ट करता हूँ 7 के RPM पे। और इन सपोज़ अगर आपको मतलब आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो या फिर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो और मतलब आपको हाईवे पे बाइक चलाना है या फिर स्पीडिंग करना है, तो फिफ्थ गियर में डालता हूँ 8 के RPM पे। और फिर फाइनली सिक्स्थ गियर डालता हूँ 8 के RPM पे, मतलब जो फिफ्थ और सिक्स्थ गियर है ये दोनों में 8000 RPM पर डालता हूँ। और ये तो हो गया गियर शिफ्टिंग का। और फॉर एग्जांपल, अभी सपोज़ आप हाईवे पे चला रहे हो और स्पीडिंग कर रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा आपको फ्रेंड्स कि 125 के ऊपर मत लेके जाइए बाइक को, क्योंकि उसके ऊपर जब 125 के ऊपर जाता है तो इसका जो माइलेज है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है मतलब। और 120 या फिर 125 तक भी गाड़ी अच्छा एवरेज देती है। तो बस फ्रेंड्स, ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था आपके लिए कि आप कैसे मैक्सिमम एवरेज ले सकते हो अपने बाइक से। और फ्रेंड्स, बस आज ये वीडियो के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा आपको मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।